अस्सलाम वालेकुम। खबर की दुनिया से मैं हूं उस्मान अमान। नजर डालते हैं दुनिया हेडलाइंस पर। पीपल्स पार्टी ने सदारती इलेक्शन के शेड्यूल से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले को एकतरफा करार दे दिया। एतजाज अहसन कहते हैं बायकॉट कर दिया तो सदारती इलेक्शन की कोई हैसियत नहीं रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने सदारती इंतखाबात 30 जुलाई को कराने का हुक्म दे दिया। 26 जुलाई को कागजात की जांच पड़ताल और 27 जुलाई को उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त जारी करने की हिदायत। ओहदाए सदारत के लिए नून लीग के ममनून हुसैन, पीपल्स पार्टी के रजा रब्बानी और तहरीक इंसाफ के जस्टिस वजीहुद्दीन के दरमियान मुकाबला। दुनिया न्यूज ने ममनून हुसैन की खबर 17 जुलाई को नशर की थी। वजीर आजम आजाद कश्मीर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद, नवाज शरीफ ने नून लीग के अरकान को हिस्सा लेने से रोक दिया। सिंध लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस 1979 में तरमीम के लिए कमेटी की तश्कील, शर्जील मेमन कहते हैं तरमीमी ऑर्डिनेंस 15 अगस्त से पहले मंजूर कर लिया जाएगा। वजीर खजाना इसाक डार कहते हैं निजकारी हुकूमत की तरजीहात में सर फहरिस्त पॉलिसी है, निजकारी का अमल शफाफ होगा। कराची के इलाके क्लिफ्टन चाइना टाउन में लाखों रुपए की बैंक डकैती, 7 डाकू गार्ड्स का असलहा भी साथ ले गए। पाकिस्तान और वेस्टइंडीज के दरमियान फैसला कुन जोड़ आज पड़ेगा। सेंट लूशिया में मैदान सज गया, कौमी टीम जीत के लिए पुरअज़्म।